नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं कुशवाहा वॉइस टीम। मित्रों, आजकल नवबौद्धों के एक नए धर्मगुरु शांति स्वरूप बौद्ध यूट्यूब पर अपने लाजवाब गप्पू के माध्यम से धूम मचा रहे हैं। रामायण काल्पनिक है। एक सवाल जो लोग कहते हैं ना, भाई जब रामायण काल्पनिक है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? हम ये कहते हैं कि तुम्हारी रामायण काल्पनिक है, तुमने कल्पना में भी हमारे बाप शंबुक को मारा, कल्पना में भी तुम हमारे विरोध में ही कल्पना कर रहे हो। यह 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति फेंकने में सबके दांत खट्टे कर देते हैं। यह हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और शंबुक को अपना दादा भी बताते हैं। इनका कहना है कि तमाम हिंदू ग्रंथ यथा रामायण महाभारत सब काल्पनिक बातें हैं। हिंदुओं के ग्रंथ अंधविश्वास से भरे हुए हैं। इसी कड़ी में वह अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में यह कह रहे थे कि राम नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, लेकिन रावण जरूर हुए हैं और इसका प्रमाण वह दे रहे हैं बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र से, जिसमें बताया गया है कि रावण ने बुद्ध को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया था, जिसमें बुद्ध उसके साथ चर्चा करते हैं और रावण उस चर्चा में पराजित होकर बौद्ध बन जाता है। अतः इस पुस्तक को प्रमाण मानकर शांति स्वरूप बौद्ध रावण को बौद्ध घोषित कर रहे हैं और रामायण की कहानी को झूठा और काल्पनिक बता रहे हैं। महाराजा रावण, अब सुन लीजिए, किताब है लंकावतार सूत्र, जो भारतवर्ष का ग्रंथ है, मगर यहाँ से प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने उसको जला दिया था। जो धर्म द्वेषी थे, हमारे धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने उसको जला दिया, मगर हम धन्यवादी हैं तिब्बत के कि वो ग्रंथ वहां मिल गया। और प्रोफेसर डीटी सुजुकी, जो जापान के विद्वान थे, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से वो तुलसीराम शर्मा ने अनुवाद कर दिया हिंदी में। भैया उसको पढ़ो। रावण ने बुद्ध को ललकारा था कि हाँ मुझसे तर्क कर ले, जैसे मिलांदर ने बंते नागसेन को ललकारा था, और उनका बुद्ध का और रावण का जो शास्त्रार्थ हुआ है वो 100 सवाल रावण ने पूछे, 100 सवाल बुद्ध ने दिए। वो बौद्ध धर्म का विज्ञानवाद उसको कहते हैं, वो सारा उस ग्रंथ में उपलब्ध है। जबकि अगर सच्चाई देखने की कोशिश करें तो बुद्ध के श्रीलंका जाने का कोई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य किसी भारतीय स्रोत से नहीं मिलता। और ये बात मैं नहीं, बल्कि यह बात शांति स्वरूप बौद्ध से भी बड़े बौद्ध भदंत आनंद कौशल्यायन ने महावंश के अनुवाद में स्पष्ट किया है। महावंश श्रीलंका का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के हिंदी अनुवादक कौशल्यायन ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए थे। इनका कहना है कि भारत में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए हों। और इधर शांति स्वरूप बौद्ध का कहना है कि बुद्ध को रावण ने लंका में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था, जबकि किसी भी भारतीय स्रोत से यह स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, श्रीलंका के ग्रंथों में यह जरूर है कि बुद्ध श्रीलंका आए थे। श्रीलंका के ग्रंथों में महावंश में बुद्ध के श्रीलंका आने का जिक्र मिलता है, और वह भी हवा में उड़कर। और जब बुद्ध श्रीलंका पहुंचे तो वहां के यक्षों को उन्होंने डराया, उनके ऊपर हवा, पानी, आग और तूफान की वर्षा की। जब यक्षों ने डरते और कांपते हुए उनसे अपने जान की सलामती मांगी, तब बुद्ध नीचे उतरकर उनके ऊपर कृपा बरसाने लगे। वस्तुतः महावंश में बुद्ध जिस स्टाइल में उड़ते हैं और फिर लैंडिंग करते हैं, मैं समझता हूं कि उस लैंडिंग प्रक्रिया को जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसको स्पष्ट करने के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो पावर का मुंह है ना, वो 1 इंच का हो जाएगा। क्योंकि यह तो शांति स्वरूप बौद्ध जी के पिताजी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि बुद्ध उड़ते भी थे और लैंडिंग भी करते थे। और अगर शांति स्वरूप बौद्ध को लगता है कि बुद्ध उड़ते थे और आग, पानी और पत्थर की आसमान से वर्षा भी कर सकते थे, फिर हनुमान जी के उड़ने पर शांति स्वरूप बुद्ध को आपत्ति भला क्यों है भाई? क्या उस समय उड़ने का कॉन्टेक्ट सिर्फ बुद्ध को मिला था? मैं समझता हूं कि शांति स्वरूप बौद्ध नाम के व्यक्ति निपट ही अज्ञानी और बदफरोश व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि जब बुद्ध के श्रीलंका जाने का कोई भारतीय साक्ष्य या प्रमाण है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो इस बात को बदंत आनंद कौशल्यायन ने भी माना है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए ही नहीं। तो फिर ये बेवकूफी ही है ना कि कोई कहे कि रावण और बुद्ध का संवाद हुआ था, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था। यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह शांति स्वरूप बौद्ध जी पूरे तरह से मानसिक दिवालियेपन के शिकार है और ब्राह्मण और हिंदू फोबिया से ग्रसित जीव लगते हैं।
किसी भी भारतीय साक्ष्य या ग्रंथ में बुद्ध के लंका जाने का विवरण नहीं मिलता। और श्रीलंका के ग्रंथों में जिस तरह का विवरण मिलता है वह खुद शांति स्वरूप बौद्ध के गले की हड्डी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं का यह व्यक्ति मजाक बना रहा है, उनके चमत्कार का उपहास उड़ा रहा है मुंह बना बना करके, उनके पास झूठ का अंबार और उनके पास बहुत बड़ी कला है, वो झूठ को ऐसा स्थापित करते हैं वो सत्य से भी ज्यादा सच्ची लगने लगती है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी के सिर पे जानवर का सिर रखकर पुजवा दें, ये कला उन्हीं के पास है। अब वही चमत्कार श्रीलंका में पहुंचकर स्वयं बुद्ध भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यह माना जाए कि शांति स्वरूप बौद्ध भी पाखंडी और धूर्त और झूठे व्यक्ति हैं। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लंकावतार सूत्र नाम का यह जो ग्रंथ है वो कपोल कल्पित है और फर्जी है। जब बुद्ध कभी श्रीलंका गए नहीं तो रावण के साथ उनका शास्त्रार्थ भी इस ग्रंथ में करवाना बौद्धों की कल्पना और बौद्धों का गप है। वस्तुतः हकीकत तो यह है कि हमने इनके पाप शंभुओं को कल्पना में नहीं मारा, बल्कि इन्होंने अपनी कल्पना में हमारे ग्रंथों के रावण को अपना पाप मान लिया है। वैसे शांति स्वरूप बौद्ध जी फिर भी इस पुस्तक को प्रमाणित मानते हैं, तो इसी लंकावतार सूत्र में महाभारत और व्यास जी का भी स्पष्ट उल्लेख है। तो इससे सिद्ध होता है कि लंका के बौद्ध भी महाभारत और वेद व्यास की प्राचीनता और उनकी वास्तविकता को मानते थे और जानते थे। और जब महाभारत का उल्लेख बौद्ध साहित्यों में है तो महाभारत में भगवान राम और रामायण का उल्लेख होने से रामायण की प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो फिर क्या शांति स्वरूप बौद्ध जी की मति मारी गई है, जो इसी पुस्तक का एक पात्र रावण ऐतिहासिक दिखता है उन्हें और दूसरा पात्र राम उन्हें काल्पनिक दिखता है, रामायण उन्हें काल्पनिक दिखता है, महाभारत उन्हें काल्पनिक दिखता है। अब चलिए मित्रों, इसी पुस्तक से हम रावण के बोधिसत्व होने का भी खंडन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। रावण बोधिसत्व था, इस कुप्रचार की नींव यही लंकावतार सूत्र है। इसी के प्रथम अध्याय में रावण का बुद्ध से उपदेश ग्रहण करना लिखा है। श्लोक आप देख सकते हैं जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। इस तरह बुद्ध और रावण का उल्लेख इस श्लोक में एक साथ दिखाई देता है। अब इससे पहले इस ग्रंथ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस ग्रंथ के दो प्राचीन चीनी अनुवाद प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सबसे प्राचीन चीनी अनुवाद गुणभद्र द्वारा चौथी सदी का मिलता है। इस अनुवाद में यह रावण बौद्ध संवाद नहीं मिलता, लेकिन छठी शताब्दी में किए गए अन्य चीनी अनुवाद में यह संवाद मिलता है। अतः स्पष्ट है कि रावण बौद्ध संवाद जो है वह लंकावतार सूत्र में प्रक्षिप्त है। ये 6वीं सदी में अनुवाद में किया गया क्षेपक है, मूल लंकावतार सूत्र का भाग नहीं है। संभव है कि किसी ने रामायण और महाभारत के प्रचलन और प्रभाव को देखकर उस काल में बुद्ध को लाने के लिए यह अध्याय प्रक्षिप्त किया हो। इसके प्रक्षिप्त होने में एक और प्रमाण यह भी है, इस ग्रंथ के अन्य अध्याय गद्य पद्य की इस व्यवस्था के अनुसार है कि पद्य गद्य के अर्थ को दोहराता है। सारी रचना बुद्ध और महामति के संवाद के रूप में है, लेकिन प्रथम अध्याय में पद्य गद्य का अर्थ नहीं दोहराता और वहां यह संवाद रूप भी नहीं दिखाई देता। अतः शैली भिन्न होने के कारण यह क्षेपक ही सिद्ध होता है। साथ ही रावण बौद्ध संवाद के क्षेपक सिद्ध होने से रावण का बौद्ध होना भी मिथ्या और झूठी सिद्ध होता। अतः यहाँ शांति स्वरूप बौद्ध ने इस पुस्तक को आधार बनाकर जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है और फर्जी है। इन बौद्धों का पूरा इतिहास ही झूठ फरेब और ढोंग पर टिका है। इनके ग्रंथों में भी देवता देवी इंद्र ब्रह्मा यक्ष गंधर्व स्वर्ग नर्क पाप पुण्य सभी चीजें हैं। लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि जो कुछ भी इन बौद्धों के ग्रंथों में है वह वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वही सब चीजें हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में है तो वो अवैज्ञानिक है। तो यहीं पर इन बौद्धों की सबसे बड़ी धूर्तता और मक्कारी देखने को मिलती है। यह ब्राह्मणों की आड़ में हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाने वाले निहायत ही कमजोर और विकृत मानसिकता के लोग हैं। लेकिन सत्य तो किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सत्य ही होता है, और सत्य के सामने एक न एक दिन सबको नतमस्तक होना ही होता है। और सत्य यही है कि शांति स्वरूप बौद्ध का लंकावतार सूत्र एक फर्जी और काल्पनिक ग्रंथ है, जो झूठ और गप्पों पर आधारित है। जो अतः इस पूरी वीडियो में हमने आपको ये स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है कि काल्पनिक ग्रंथ रामायण नहीं है, बल्कि काल्पनिक ग्रंथ है बौद्धों का फर्जी किताब लंकावतार सूत्र। वैसे भी राम की प्रामाणिकता तो
बौद्धों के ही तमाम ग्रंथों से हमें मिलती है। लेकिन ये लोग दुष्प्रचार में सबसे आगे हैं, अपने दुष्प्रचार को ही अपना ज्ञान और विज्ञान मानकर बैठे हुए हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग बौद्धों के बहकावे में मत आएं, उनके धर्म ग्रंथों को सही से अध्ययन करें, उनके धर्म ग्रंथों को आप खुद भी पढ़ें। जब आप उनकी धर्म ग्रंथों को सही से और खुद भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इनका झूठ, इनका फरेब आप खुद ही पकड़ पाएंगे और खुद ही जान पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।